हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, राधे राधे सभी को। तो अभी सुबह के 4:30 होने वाले हैं, शायद 4:20 या 4:25 हो चुके हैं और मैं नहा धो ली हूँ, कपड़े वपड़े मैंने चेंज कर लिए, ज़्यादा कुछ मैंने हैवी नहीं पहना है, ऐसे लोअर टी शर्ट डाल लिया क्योंकि सर्गी का समय है और सर्गी खानी है। मन्नी वहाँ पर किचन में मेरे लिए बना रहे हैं परौंठे चाय के साथ, चाय तो मैं खुद ही बनाऊंगी, थोड़ी सी मैंने फैनियाँ बना ली है। लड्डू माधव श्यामा को भी उठा दिया, उनको भी भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही मैं खा पाऊंगी क्योंकि उनको भी ना भोग लगाए मैं कुछ भी ऐसे नहीं खा सकती बिल्कुल भी। और मैंने ये चूड़ियाँ पहन ली है सिंपल सी, चार ही साथ में छोटी सी बिंदी लगा ली और रेड चुन्नी ओढ़ लूँगी कोई भी बस, और फटाफट से अपनी सर्गी खाते हैं और फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी। फिर उठूँगी, जब सो के उठूँगी ना तब देखते क्या करना है आगे। मैंने दिखा अपने लगा सकता है सच कोई बताइए। तो ये देख लो मेरी मेहंदी, ये इंस्टेंट वाली मेहंदी है, ये मन्नी ने लगाई थी रात और कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाया था। नाम देखो कितना अच्छे से लिखा है ना मन्नी ने, अपना नाम बहुत नीट एंड क्लीन लिखा है, बाकी अच्छी लग रही है ये। वैसे ही मेहंदी मैंने नहीं लगाई क्योंकि उसमें खुशबू होती है इसलिए, और अब मैं लगाऊंगी नेल पेंट, पहले इसको हटा लेती हूँ, ये लगाऊंगी। ये मेरे को मिली थी गोद भराई में, मम्मी ने दी थी जूडियो से, मैं खुद ही पसंद करके लेके आई थी, पैसे मम्मी ने दे दिए थे। तो ये मैं देखती हूँ कि कैसे क्या मिक्स मैच करके लगाती हूँ। तो जी अभी दोपहर का टाइम हो रखा है, शायद 12 बजे के आसपास का कुछ टाइम हो रखा है और मैं भी रेडी नहीं हुई हूँ। मैंने सोचा कि पहले पूजा की पूरी तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से रेडी होऊंगी क्योंकि थोड़ी थकान भी लग रही थी मेरे को भूख की वजह से, और प्रेगनेंसी में ऐसा हो जाता है, शायद सबके साथ नहीं होता होगा, मुझे नहीं पता, मुझे तो अपना पता है। और वैसे तो मेरे पास एक वो फ़ोटो फ्रेम भी रखा हुआ है करवा चौथ माता का, लेकिन वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मुझे मिला नहीं, तो इसलिए फिर मैंने फटाफट से पोस्टर ले लिया, मंगवा लिया था मन्नी से और मैंने ये चिपका दिया था यहाँ पर, और फिर करवा भी भर के रख दिया था। गेहूँ थे नहीं तो इसलिए मैंने चावल का यूज़ किया था, तो गुलाब के फूल रखे थे थोड़े, उससे थोड़ा सा सजा दिया था यहाँ पे, और फिर सतिया बना दिया था। सतिया बनाने के बाद माता को तिलक कर दिया था, सबको तिलक विलक करने के बाद फिर वो कलावा बांध दिया था पूरा, मतलब मैंने अपना सेटअप पूरा तैयार कर लिया था और फिर उसके बाद मैं रेडी हुई थी। आप लोग बताना कि आपके यहाँ कैसे कैसे होता है। और जब करवा भर के रखते हैं तो उसको ऊपर खाली नहीं छोड़ते, इसलिए मैंने सेब रख दिया था, आप कुछ भी रख सकते हो। तो ये पूरी चौकी मेरी तैयार हो गई है और अब बारी है मेरे रेडी होने की। तो यहाँ पे मैं हल्का फुल्का मेकअप करी थी, फाउंडेशन मैंने नहीं लगाया था, नॉर्मल मॉइस्चराइज़र और हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर, ब्रश लगा लिया था और हाइलाइटर तो मैं मोस्टली लगाती ही हूँ कहीं जाती हूँ तो, क्योंकि मुझे हाइलाइटर सबसे ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट पार्ट है हाइलाइटर मेकअप का। तो बस मैं ऐसे ही फटाफट से रेडी हो रही थी। तो बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ मैं, और पीछे से कबाड़ी वाला का, बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ मैं और मैं ये सूट लेके आई हूँ पूरा, मैं साइड में फ़ोटो लगा दूँगी तो आप लोग देख सकते हो। आलिया कट है शायद, ये लेके आई मैं, और ये वो मेहंदी है जो मन्नी ने रात लगाई थी मुझे इंस्टेंट वाली है, थोड़ी थोड़ी छुटने भी लगी है। हाँ, और बाल अभी मेरे सूखे नहीं है, हेयर वॉश किया था तो अभी बाल मेरे गीले हैं। और बताना कि मैंने इस बार रेड पिंक नहीं पहना, हे भगवान सबको अभी आने गया, तब से शांति थी। अभी कहानी हमने नहीं सुनी है, 3:30 का कुछ टाइम हो रखा है, अभी कोई आ रहा है, वो आ रही हैं तो उनके साथ मैं कहानी सुनूंगी, और मन्नी का भी फास्ट है और मेरे को भूख भी लग रही है और मेरे को दवाई भी लेनी होती है 4 से 5 बजे के बीच, तो वो भी लेनी है। कहानी सुन के मैं कुछ फ्रूट्स या फिर चाय पानी पी लूँगी, उसके बाद मैं दवाई ले लूँगी, तो तब तक मैं अपनी थाल रेडी कर लेती हूँ। ठीक है, बहन बोले कि बहन आओ खाना खाए, तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी देकर दिया। तो उसने देखा कि उसका पति
मरा पड़ा है वह वही बैठ गई और उसे सेवन लगी। उसकी सास सारी मछली तो जी कहानी हम दोनों ने सुन ली है और मनी का भी फास्ट होता है, हमेशा से मनी फास्ट रखते आ रहे हैं। तो अभी कहानी सुनने के बाद खाना बनने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। यहाँ चावल बन रहे हैं और इधर कढ़ी बन रही है, हमारे यहाँ पे कढ़ी और चावल बनते हैं। और इधर मैंने पकौड़ियों का बैटर बना के रख दिया है, अभी 2-4 मिनट बाद फिर मैं पकौड़ियाँ भी उतारूँगी। और आटा गूंथा था अरोड़ा जी ने, क्योंकि आटा गूंदना ही मेरे को मना है, लेकिन कभी कभी हल्का फुल्का मैं कर लेती हूँ। तो खाना बनके बिल्कुल रेडी है, तो अब बारी आती है पूजने की खाने को। तो मैं यहाँ पे हैंकी निकाल रही थी और हम वो कुर्ता पजामा ले आए थे जो कि मम्मी के पापा को देना था पूजने के बाद, तो मैं हैंकी भी निकाल रही थी। तो बस खाना पूज के हम उनको दुकान पर दे आएंगे। तो जी अभी रात के 9:15 हो चुके हैं, हाँ 9:15 हो रहे हैं, और भूख मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि बस लग रही है आप सब भी समझ सकते हो, प्यास भी लग रही है। पानी तो मैंने पी लिया था लेकिन अब मेरे से भूख बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही, मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। वैसे पता है प्रेगनेंसी में ऐसा होता हुआ मुझे नहीं पता, बहुत लोगों के साथ होता, और अभी तक चांद नहीं निकला है। तो बाकी जो पूज के खाना दे के आना था मेरे फादर इन लोगों को, वो हम दे आए हैं और सारा काम हो चुका, खाने भी तैयार है हमारे, तो कढ़ी चावल रोटी ये सब बनता है, मीठा कुछ भी तुम ला सकते हो, मैंने बाहर से मंगवा लिया था, बनाया नहीं क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। तो अभी मैं एक दो रील्स बना लेती हूँ, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं चांद कब निकलता है। तो जी पूजा के लिए पूरी थाल मेरी रेडी है, चांद निकल चुका है और हमारे अरोड़ा जी हैं अभी घर से बाहर, वो आ रहे हैं 10 मिनट में, और चांद निकले अभी 20-25 मिनट हो गई है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ अभी भी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, डेजी मान जा, ये रहा, ये पीने के लिए पानी है, ये जो देना है चांद को वो, और दिया जलाना है वो है, और ये मिठाई रखी है माचिस और तिलक के लिए बस। और ये चलता था पहले लेकिन अब नहीं चलता, ये इसको 3 साल हो चुका है, आई थिंक ये मम्मी ने बनवा के दी थी, ये पूरी कस्टमाइज़ करा के। यहाँ फ़ोटो है जहाँ ये लुट्टा रखा हुआ है और इस पर भी मम्मी की मेरी फ़ोटो है, तो मैंने पहले भी दिखाया है। तो जी व्रत हमने खोल लिया है, पहले मैंने रोटी खाई थी, डायरेक्ट चावल नहीं खाए, और अब मैं खा रही हूँ थोड़े से कढ़ी चावल, और ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता पूरे दिन ऐसे भूखा रहने के बाद। तो बस हमने तो खोल लिया व्रत, इस लोग को यही एंड करते हैं, और हमने व्रत खोल लिया है, करवा चौथ का व्रत खोल लिया है जी, और पाठ पढ़ के खाया है, लेकिन इतना खाया नहीं, उससे पहले हमारा पेट भर चुका है। यस, और मेरी मैडम का पेट अभी नहीं भरा है, ठीक है जी, क्योंकि उसका खाना किसी और ने चुरा लिया है। अब मैं पीऊंगी, अब ये पीएगी चाय, जो कि बना के दोगे, जो कि बना के देंगे चाय वाले, तुम मेरे बस की नहीं, मजा कुछ दो घूट पिलानो, पागल है क्या चाय। तो चलो इस व्लॉग को यहीं एंड कर रहे हैं, इस व्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं, तो अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, इधर देख के बोलो ना, ठीक है जी, ओके राधे राधे, ओके राधे राधे, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।
हाँ।